दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। जब भी राजनीति में विश्लेषण की बात आती है, हर कोई नरेंद्र मोदी की राजनीति का विश्लेषण करता है। लेकिन अब वक्त आ गया है दोस्तों कि राहुल गांधी की राजनीति का भी विश्लेषण किया जाए। हम विश्लेषण करें इस बात को, समझें इस बात को कि राहुल गांधी क्या इस देश में बिल्कुल अलग तरह की, नई तरह की राजनीति शुरू कर रहे हैं, या फिर उस तरह की राजनीति शुरू कर रहे हैं जो इस देश की एक वक्त में पहचान हुआ करती थी। दोस्तों, राहुल गांधी की अलग अलग तस्वीरें कल निकल कर आई। सुल्तानपुर में कोर्ट में जब वो पेश हो रहे थे तो अचानक बहुत भीड़ उमड़ पड़ी। अमूमन राहुल गांधी की कोर्ट में पेशियां हाल के सालों में काफी बड़ी है, क्योंकि कई अलग अलग मामले उन पर दर्ज हुए हैं, लेकिन इतनी भीड़ देखने को नहीं मिली। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जो संगठन है उसमें एक नई ऊर्जा मिली है उसको 2024 के लोकसभा चुनाव में सफलता जो कांग्रेस ने हासिल की है उसके बाद, तो अचानक कांग्रेस के जो समर्थक हैं उनकी भीड़ उमड़ पड़ी। राहुल गांधी पर फूल बरसाने लगे ये समर्थक, और भीड़ में काफी धक्का मुक्की की स्थिति आ गई कि पुलिस को भी एक चुनौती जैसी स्थिति महसूस होनी पड़ी कि कैसे भीड़ को संभालें। तो अचानक राहुल गांधी ने कुछ ऐसा किया जिस पर नजर किसी की भी नहीं पड़ी। दोस्तों, एक लड़की थी जो भीड़ में राहुल गांधी को, अब मुझे नहीं पता कि वो राहुल गांधी की टीम का हिस्सा थी या वो मीडिया से थी या वो कांग्रेस पार्टी की समर्थक थी, ये मुझे नहीं पता, लेकिन उस भीड़ में एक लड़की फंस गई थी। और जब इस तरह की भीड़ होती है, जब समर्थक भी होते हैं, प्रेस भी होती है, मीडिया वाले भी होते हैं, पुलिस भी होती है, और इतना हाई प्रोफाइल नेता होता है, तो फिर भीड़ इतना भी मुझे लगता है सब्र नहीं रखती कि कोई महिला है। हर कोई चाहता है कि अपने नेता को हम छू लें, अपने नेता को हम फूल दे दें, अपने नेता के साथ हम फोटो खिंचा लें। तो किसी की नज़र उस लड़की पर नहीं पड़ी जिस पर काफ़ी धक्का मुक्की का वो लड़की शायद सामना कर रही थी। अचानक राहुल गांधी हाथ बढ़ाते हैं और उस लड़की को हाथ से खींचकर अपने आगे कर देते हैं। राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया, उसको पकड़कर अपने आगे कर दिया। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी के इर्द गिर्द पुलिस का एक पूरा घेरा था, तो राहुल गांधी को छू पाना या राहुल गांधी के करीब आना किसी के लिए इतना आसान नहीं होगा। तो राहुल गांधी ने उस लड़की को अपने आगे कर दिया, और उस लड़की के लिए उस भीड़ से निकलना फिर बड़ा आसान हो गया। उम्मीद करते हैं वो लड़की उसके बाद आगे बड़ी इजीली निकल गई होगी, सेफली निकल गई होगी, उसके साथ धक्का मुक्की नहीं हुई होगी, क्योंकि आसपास तो पुलिस सुरक्षा के लोग थे। तो ये एक अलग तरह की राजनीति है दोस्तों। अमूमन जब हाई प्रोफाइल नेता सड़क पर होते हैं तो इस तरह की धक्का मुक्की होती है। मैंने खुद रिपोर्टिंग की है, उस वक्त लड़का लड़की का मतलब भीड़ नहीं देखती है, और धक्का मुक्की हम रिपोर्टरों को तो आदत होती है, ये हमारे काम का हिस्सा है। लेकिन आम लोगों के बीच भी जाहिर तौर पर एक बड़ी चुनौती हो जाती होगी जब इस तरह की भीड़ आपके इर्द गिर्द हो और आप फंस गए, और आप अकेली लड़की हैं, आप कोई हाई प्रोफाइल नेता थोड़ी है। लड़की जो ये थी, इसकी कोई नेता थोड़ी थी कि इसके आसपास सुरक्षा थी। लेकिन राहुल गांधी ने इस बात का ध्यान रखा कि इस भीड़ में जो हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन लड़की को कोई दिक्कत ना हो, उसको आगे कर दो ताकि ये सेफली निकल जाए। उसके बाद राहुल गांधी ने उसको छुआ भी नहीं। ये अपने आप में एक बिल्कुल अलग तरह का मैसेज है दोस्तों। सोशल मीडिया का दौर है, छोटी छोटी वीडियोज अपने आप में बहुत बड़े मैसेजिंग का काम करती है। और ऐसा तो है नहीं कि ये प्लान किया गया होगा कि भीड़ में एक लड़की को पहले फंसा दो, फिर राहुल गांधी हाथ पकड़कर उसको निकालेंगे और फिर उस वीडियो को वायरल कर देंगे। ये वीडियो वायरल भी नहीं है। ये वीडियो मेरी नज़र में आई, तो मेरी नज़र पड़ी इस वीडियो पे, तो मैंने आपको इस बारे में, क्योंकि एक लड़की के तौर पर मैंने नोटिस किया ये, तो मैंने आपको बताया। इसके बाद राहुल गांधी कोर्ट से निकलते हैं और सुल्तानपुर में जूते ठीक करने का काम जो मुची एक व्यक्ति करते हैं उनसे मुलाकात करते हैं, उनके साथ बात करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, एक चप्पल में टांका लगाते हैं, सीखते हैं उनका काम कैसा है, उनका गुजर बसर कैसा हो रहा है। और इस पूरे की पूरी तस्वीर में राहुल गांधी कम बोलते हैं, वो शख्स ज़्यादा बोलता है। मतलब राहुल गांधी अपनी मन की बात नहीं कर रहे हैं, सामने वाले की मन की बात सुन रहे हैं। दोस्तों, ये राहुल गांधी की राजनीति है जिसमें राहुल गांधी कहीं भी किसी के साथ बात कर लेते हैं, और जब वो बात करते हैं वो सामने वाले से पूछते हैं आपकी क्या दिक्कत है, आप क्या चाहते हैं। यही उन्होंने इस व्यक्ति के साथ किया। बहुत से लोगों ने कहा कि इस व्यक्ति की तो निकल पड़ी, जो शख्स आज तक जिसे कोई जानता नहीं था, राहुल गांधी ने उसकी दुकान में बैठकर फोटोज़ खिंचाई, उसके बाद उन फोटोज़ को शेयर भी किया। राहुल गांधी सीखते हैं, मजदूरों के साथ होते हैं तो उनका काम सीखते हैं, कूलीज के साथ होते हैं तो उनके कपड़े पहन लेते हैं, राहुल गांधी अगर चप्पल ठीक करने वाले के साथ हैं तो उनके साथ चप्पल में टांका लगा लेते हैं। वहीं राहुल गांधी कल ही कुछ अभ्यर्थियों से मिले जो नीट परीक्षा को लेकर है, उनसे भी राहुल गांधी अपने मन की बात नहीं कर रहे थे, भाषणबाजी नहीं कर रहे थे, उनसे पूछ रहे थे आप क्या चाहते हैं। नीट वाले कौन है इतने दिन से? बोलो सर, इतने दिन से दिक्कत हो रही है, हम लोग बहुत पढ़ रहे हैं, मगर क्या सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन आपके मुताबिक क्या है? मेरे मुताबिक फिर से एग्जाम हो, सर एग्जाम हो, वही सोल्यूशन है, यही सोल्यूशन है सर। बहुत बड़े स्तर पे यहाँ पे, मतलब आपने कितनी बार लिया है नीट का एग्जाम? सर इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट था सर, लेकिन अगर कितने वोट कितने आए सर? 621 आए सर। आपको क्या लगता है पेपर लीक हुआ पूरा? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। तो दोस्तों, यही है राहुल गांधी की राजनीति जिसमें वो
ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच होना पसंद कर रहे हैं। ये वो समझ रहे हैं कि उनकी राजनीति के लिए अच्छा है। इसमें कई बार वो डेलिबरेटली कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर नेता हैं तो कैमरा होगा, कैमरा हो के बिना वो कैसे बताएंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। आजकल तो दोस्तों लोग बिना कैमरे के अपनी गाड़ियों से नीचे पैर नहीं रखते हैं, मतलब गर्भगृह में भी अगर मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो वहाँ कैमरा फिट होता है। तो राहुल गांधी अगर कैमरा लेके चल रहे हैं तो क्या बुरा है। लेकिन बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये जो राहुल गांधी कर रहे हैं ना, ये हमारे देश की राजनीति की पहचान रही है। गांधी ने किया है ये सब। गांधी, महात्मा गांधी इतने बड़े नेता इस देश में ऐसे ही नहीं बने। महात्मा गांधी ने हाथ में लाठी लेकर, धोती पहनकर इस पूरे देश को नापा, अपने इन दो पैरों से नापा और उसी भाषा, उसी वेशभूषा और उसी तरीके से नापा जो इस देश की असली रूप है, जो इस देश की असली पहचान है, और उसमें वो लोगों को सुनते थे। यहाँ पर मैं दोस्तों महात्मा गांधी और राहुल गांधी का कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि ये हमारे देश की पहचान रही है। उसके बाद की जो पीढ़ी के नेता थे उनकी भी यही पहचान रही है, चाहे वो राम मनोहर लोहिया हो या उस दौर के जेपी आंदोलन के नेता भी आप देख लीजिए, लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, ये सब एक वक्त में जमीन के नेता हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद धीरे 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 नेतागिरी बड़ी हाई प्रोफाइल हो गई, जिसमें आम लोग अलग हो गए। क्या राहुल गांधी उन सब से अपने आप को एक बार फिर से एसोसिएट कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी एक बार फिर से जमीन पर उतर कर ना केवल खुद के लिए जवाबदेही तय कर रहे हैं, बल्कि जो बाकी के नेता हैं उनको भी मजबूर कर रहे हैं कि आपको जमीन पर उतरना पड़ेगा। अब इसका देखा देखिए, आप देखिए हरियाणा में चुनाव है, दीपेंद्र हुड्डा ने यात्रा शुरू की। अब इस यात्रा में दीपेंद्र हुड्डा बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से यात्रा कर रहे हैं जिस तरह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा होती थी। और इंटरेस्टिंग ये है दोस्तों कि दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा, जो कपड़े पहन रहे हैं वो कपड़े भी राहुल गांधी वाले हैं। व्हाइट टी शर्ट और नीचे ब्लैक कलर का सिक्स पॉकेट या कोई ऐसा लोअर जो ढीला ढाला हो। तो ये जो वेशभूषा है जिससे राहुल गांधी की एक बिल्कुल अलग पहचान बनी, जिससे वो एक युवाओं से भी कनेक्ट कर पाते हैं और अपने आप को सीरियस नेता के तौर पर भी दिखा पाते हैं। मतलब हमारे देश में कभी किसी नेता ने, जो इतना हाई प्रोफाइल नेता है, अपनी पार्टी का पूर्व अध्यक्ष रह चुका है, अपनी पार्टी का स्टार कैंडिडेट है, मुझे याद नहीं कि किसी ने टी शर्ट और अपने बाइसेप्स दिखा के और लोअर पहन के यात्रा की और लोगों ने उसको पसंद किया, स्पोर्ट्स शूट्स पहन के। वो दीपेंद्र, लोगों ने पसंद किया और देखिए दीपेंद्र हुड्डा उसको एक तरह से अपना रहे और हरियाणा में लोगों के बीच जा रहे हैं। कोई भी नेता कोई काम तब तक नहीं करता जब तक उसको ये नहीं दिखता कि उसको फायदा नहीं है। दोस्तों एक वक्त था जब कांग्रेस पार्टी के नेता कहते थे कि राहुल गांधी से प्रचार मत करवाइए, हम हार जाते हैं। बीजेपी तंज कसती थी कि जब जब राहुल गांधी मोदी जी के सामने आते तो मोदी जी की आधी जीत तो वहीं पक्की हो जाती है। लेकिन आज कांग्रेस के ही नेता, एक नई पीढ़ी कांग्रेस की, दीपेंद्र हुड्डा एक संभावित मुख्यमंत्री के तौर पर हो सकते हैं अगर हरियाणा में कांग्रेस जीत जाती है, या उनके पिता हो सकते हैं, वो लोगों के बीच टी शर्ट और लोअर पहन के तब तक नहीं जाते जब तक उनको ये खबर ना होती, उनको ये रिपोर्ट ना होती कि ये लोगों को पसंद आ रहा है। उन्हें ये पता है बात कि लोगों को ये पसंद आ रहा है, इसीलिए वो ये कर रहे हैं। नेता बिना जनता की पसंद के नहीं करता कुछ। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि इस ऐसा करके राहुल गांधी न केवल अपनी पार्टी के अंदर एक नई तरह की राजनीति पैदा कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, बल्कि एक नई तरह की राजनीति ही शुरू कर रहे हैं जिसमें देखा देखी बाकी दल के नेताओं को भी उसका अनुसरण करना पड़ेगा। जिसमें आप सत्ता में हो या ना हो, आप चुनाव हो या ना हो, लेकिन जनता के बीच लगातार रहें। आप चुनाव खत्म होने के बाद देखिए राहुल गांधी लगातार चुनावी मोड में है। वो कभी मजदूरों के बीच जाकर सीमेंट के जरिए काम करने की कोशिश करते हैं, वो कभी दिहाड़ी मजदूरों के बीच होते हैं, कभी वो अचानक नीट भर्ती वाले बच्चों से मिलने पहुंच जाते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में दोस्तों जो सत्संग में हादसा हुआ था, अचानक वो उन पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंच जाते हैं, उसमें वहां लोगों से वो गले मिलते हैं, उनसे भावुक हो जाते हैं। ये अलग तरह की राजनीति है। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव नहीं होने वाले हैं और देश में भी चुनाव निपट चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी ये बता रहे हैं कि वो LOP लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा के अंदर, केवल लोकसभा के अंदर नहीं है, वो 24/7 है। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।